पावर बिजनेस में शामिल होने का फैसला करने के बाद गौतम अडानी ने इसमें भी अपने बिजनेस के उसी अप्रोच को अपनाया। थर्मल पावर के लिए गौतम अडानी ने कोयले की कमी को पूरा करने के लिए कोल माइंस को खरीदना शुरू किया और इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉजिस्टिक कंपनी खड़ी कर दी। इसी अप्रोच के साथ गौतम अडानी ने प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट तो कम की ही, साथ ही लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा वर्टिकल भी खड़ा कर दिया जो उनके लिए नया बिजनेस एवेन्यू बन गया। इंडिया में कोल माइंस की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए गौतम अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस खरीदे। गौतम अडानी की 6 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसमें अडानी पोर्ट्स एंड सेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी गैस शामिल है। अडानी की एक और काबिलियत है दोस्त बनाने की। अडानी ने अलग अलग पार्टियों में दोस्त बनाए, जिसमें आज पीएम नरेंद्र मोदी का भी खूब फायदा उन्हें मिलता है। अब इस फायदे पर पॉलिटिकल बयानबाजी भी तो खूब हो सकती है। और सच तो यही है कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना गया, तब से अडानी समूह के शेयरों में जबरदस्त इजाफा हुआ। शेयरों में आए उछाल से अडानी ग्रुप को बहुत फायदा पहुंचा। हालांकि अडानी ग्रुप को बेहद सस्ते दाम पर जमीन देने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह को कमर्शियल जमीन 1 रुपए से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दी गई, जबकि इसकी असली कीमत 200 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट थी। कहा गया कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के पहले अडानी ग्रुप के पास 45,000 एकड़ जमीन थी, लेकिन उसके बाद ये जमीन 2 लाख एकड़ तक पहुंच गई, जिसमें से 45 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को राज्य सरकार ने दी है। उद्योगपति गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी का ये कनेक्शन उस समय जुड़ा था जब 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी मुश्किल में थे। देश के सबसे बड़े बिजनेस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन CII से जुड़े बड़े बिजनेसमैन दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे। उस वक्त गुजरात के कुछ उद्योगपतियों ने CII से बगावत कर दी थी। बगावत करने वाले उद्योगपतियों में गौतम अडानी भी थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की बेइज्जती को गुजरात की अस्मिता से जोड़ते हुए CII से अलग रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात बनाने का ऐलान कर दिया था, और इस मांग के आगे CII को आखिर झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी पड़ी। गौतम अडानी देश के दूसरे सबसे धनी शख्स हैं। उनके पास अपने 2 प्राइवेट प्लेन हैं। प्राइवेट पोर्ट से लेकर प्राइवेट रेल तक गौतम अडानी का साम्राज्य फैला हुआ है। उनके पास मुद्रा, दहेज और हजीरा में 3 बंदरगाह हैं। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल लाइन के मालिक भी हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी रिस्क टेकर हैं। उनके कारोबार की जितनी मिल्कियत है, उन पर उससे भी ज्यादा लोन है, लेकिन ये बैंक लोन भी अडानी के सपनों की उड़ान नहीं रोक सकते। देखिए अडानी का सबसे बड़ा दांव अगले वीडियो में सिर्फ अचीवर्स पर।